आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों यस बैंक के बारे में। यस बैंक में आज आपको काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, आज इस शेयर्स में लगभग 65 पैसे की गिरावट आज आप देख सकते हैं। और इसी के साथ अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 3.82% की यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसी के साथ मैं आज इसके अगर हाई की बात करूं तो आज इसने 17.50 रुपये का हाई बनाया है, और अगर लो की बात करूं तो 16.25 रुपये का लो बनाया है। लेकिन यहां पर यस बैंक के अंदर जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है आज की दिन हमको, वो है इसकी वॉल्यूम। यानी कि इसकी वॉल्यूम में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं आई है। वॉल्यूम के मामले में आज भी यस बैंक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है। NSE और BSE की दोनों की अगर वॉल्यूम के मामले में बात करूँ तो आज यस बैंक टॉप 3 के अंदर ही रहा है। अगर आप इसके ओवरऑल आज की वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ओपन कर रखी है, 32,63,57,534 क्वांटिटी यहाँ पर आज की तारीख में NSE के अंदर ट्रेड हुई है। और अगर डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करूँ तो 11,88,89,874 क्वांटिटी यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर इसे आप परसेंटेज के उसमें देखेंगे तो लगभग 36.43 यानी कि 36.43% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। यानी कि लोग अभी भी यस बैंक के अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और यहाँ पर दब के माल खरीद रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो रीज़न है वो रीज़न है इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट। जैसा कि हमने आपके साथ शेयर करा था, यस बैंक के जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए हैं वो क्वार्टर 2 के कंपेयर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। लेकिन उसके बाद भी आज जो यस बैंक के अंदर आपको लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है, उसका मेन रीजन क्या है, तो आइए डिटेल में जानते हैं। उसके पहले यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों जानते हैं यस बैंक की गिरावट के पीछे का कारण। जैसा कि आप देख सकते हैं यस बैंक शेयर फेल्स ओवर 4% पोस्ट क्वार्टर 3 अर्निंग, यानी कि यस बैंक के रिजल्ट आने के बाद में ही यहां पर इसमें गिरावट स्टार्ट हो गई है। और इस गिरावट का जो एक मेन रीजन है, यानी कि आज जो यस बैंक रिलायंस का शेयर, टाटा मोटर्स का शेयर, टाटा पावर का शेयर, आपको ओवरऑल सभी शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। अगर मैं सीमेंट से रिलेटेड कंपनीज यानी कि जो सीमेंट के शेयर है और ग्रेसिम और एक दो शेयर और है, अगर उन्हें यहां पर छोड़ देता हूं तो ऑलमोस्ट सारे शेयर के अंदर आपको ओवरऑल यहां पर आज की तारीख में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उसका जो एक मेन रीज़न है वो रीज़न ये है कि आज आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण ओवरऑल यहाँ पर आपको सभी शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी शेयर्स पर नहीं रहने वाला है। यानी कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि टाटा पावर का शेयर भी आपको अगले 1-2 वीक के अंदर हाई पर जाता हुआ देख सकते हैं आप। और इसी के साथ अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको रिलायंस के बारे में बताया कि रिलायंस में भी जो आज 4% की गिरावट देखी गई है, लेकिन आपको काफ़ी जल्दी यहां पर रिलायंस में भी रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर आपने रिलायंस से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी है तो लास्ट वीडियो आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि यस बैंक शेयर डिक्लाइन और 4% इन अर्ली ट्रेड आफ्टर द लेंडर डिक्लेयर्ड रिजल्ट द क्वार्टर एंडेड 31st December 2020। यानी कि यस बैंक ने अपना जो यहां पर क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिक्लेयर किया और उसमें लगभग 151 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया है। क्योंकि अगर मैं क्वार्टर 2 के रिजल्ट की बात करूं तो क्वार्टर 2 में यस बैंक ने यहां पर लॉस बुक किया था जो कि 18,560 करोड़ था, और अगर उससे मैं क्वार्टर 3 को यहां पर कंपेयर करूं तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफ़ी इंप्रूवमेंट भरा रिजल्ट है। यहां पर अगर मैं इसके नेट प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग 16.5% यहां पर इसका नेट प्रॉफिट अप हुआ है, तो काफी अच्छा रिजल्ट हम यहां पर यस बैंक का कह सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में यहां पर इसके अगर ओवरऑल वीक की बात करूं, जो कि लास्ट वीक की बात करता हूं, तो यहां पर इस शेयर्स में लगभग 6% की गिरावट आपको यहां पर देखने को मिली है। और अगर एक मंथ की बात करूं तो लगभग 5% गिरावट आपको यहां पर देखने को मिली है। लेकिन इसका एक मेन रीजन है वो है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। जी हाँ दोस्तों, यहां पर सेंसेक्स में भी जो आपको अप डाउन ज्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको पता है सेंसेक्स ने अपना 52 वीक का हाई यहां पर भी बनाया था
था जो कि 50,000 को टच करने के बाद सेंसेक्स में वापस गिरावट स्टार्ट हो गई है, जिसका एक मेन रीजन यहां पर आपको सभी शेयर्स में देखने को मिल रहा है। और अगर मैं यस बैंक के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग 41,841 करोड़ का यहां पर यस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और अगर इसके 52 वीक की बात करूं अगर हाई की, तो इसने 87 रुपीज यानी कि 87 पैसे का यहां पर अपना हाई बनाया था और अभी तक यह 17 रुपए से ऊपर नहीं जा पा रहा है। लेकिन यदि आप यस बैंक को लॉन्ग टर्म तक के लिए रख सकते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको इसमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर इसकी वॉल्यूम में तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। और आने वाला जो रिजल्ट है यानी कि Q4 का जो रिजल्ट आएगा वो भी यहाँ पर यस बैंक के CEO जो कि प्रशांत कुमार जी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यस बैंक जहाँ अपने फंड को रेस करने के लिए यहाँ पर बात कर रहा था उसकी अप्रूवल भी उसको यहाँ पर बोर्ड मीटिंग के अंदर मिल गई है, बस एक फाइनल अप्रूवल शेयर होल्डर की तरफ से आना बाकी है। और जैसे ही अप्रूवल आ जाती है तो यस बैंक का शेयर्स आपको 17 रुपये से अगला टारगेट जो कि यहाँ पर 30 रुपये लगाया जा रहा है वहाँ तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो यदि आपने यस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अभी आपका शेयर या अभी आपका पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आप यहां पर अगर थोड़े से टाइम के लिए भी अगर यहां पर वेट करते हैं तो आपको आपका पोर्टफोलियो प्लस में आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि मार्केट के ऐसे वीक पॉइंट पर ही यानी कि जब यहाँ पर मार्केट गिरता है तब भी यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर रहते हैं वो घबरा जाते हैं और घबराने के साथ साथ ही लॉस में अपने माल को बेचकर निकल जाते हैं। लेकिन मार्केट का यही एक पिक टाइम है जहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, यानी कि यदि आपने अभी तक कोई शेयर परचेस नहीं कर रखा है या फिर आपने उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख रखा था और आप उसे खरीदने का मन बना रहे थे तो एक ये आपके साथ प्लस पॉइंट है कि आप उससे अभी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी गिरावट में ही आपके पास मौका है उस शेयर्स को बाय करने का। लेकिन मैं फिर भी आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी शेयर को खरीदने के पहले आपको एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना है, उसी के बाद में कोई भी आपको शेयर खरीदना या बेचना है।